तो ये वाले पे तो वाटरफॉल दिखा नहीं रास्ते पे। अब जो दूसरा रास्ता है यहाँ पर, ये जाके एक बार देखते हैं। दादी लग रही है अंजलि कसम से। ये यहाँ पे पार्किंग आएगा, यहाँ से चल के जाना है। अरे अमर को नहीं चलना, हम जाएंगे चल के। सो यहाँ पे हमने कार पार्क कर दी है, एज यू कैन सी सिर्फ दो ही बाइक है और कोई है नहीं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ें हैं वो ले जा सकते हैं, अंदर नहीं ले जा सकते, तो पॉज करके आप रीड कर लीजिए। और रास्ता यहाँ तक का ना बहुत ही मस्त है, अच्छा सा सीमेंट सा रोड बना हुआ है और ग्रीनरी बहुत ही मस्त है। अभी थोड़ा सा सन है ऊपर, बादल भी है, लेट्स होप बारिश हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और लुक एट दिस व्यू, वो जो रास्ता है वो भी वापस आ गए वहाँ से, क्योंकि बहुत ही अंदर वाला रास्ता था, पता नहीं आगे क्या है, तो दूसरा एक रास्ता मिला है। यहाँ जो हमने कार पार्क की है वहीं से सामने ये रास्ता है, तो वहाँ आगे तक मत जाना, में गए थे यहाँ कार पार्क करके बोर्ड के पास, यहाँ कार पार्क करके अपनी व्हीकल पार्क करके यहीं से आप निकल सकते हो। आशु जुमान जी जैसी फीलिंग आ रही है, जुमान जी करते हैं जंगल का एक और सफर। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ शेर वेर ना। जुमान जी टू, जुमान जी थ्री, ज़्यादा तो लोग आते नहीं है। अंदर जाके देखते कैसी प्लेस है। और बाय द वे ये जो प्लेस है उसे बोलते हैं भादर वाटरफॉल, भादर नदी, और यहाँ पे वाटर ऊपर से गिरता है नीचे। अब देखते हैं कैसा वाटरफॉल है ये। अरे ये तो जीजू, येलो ब्रिक रोड हो गया ये तो। दो लोग उधर जाओ, दो लोग इधर जाओ, ऐसा करें दो रास्ते बन गए। तो ये वाले पे तो वाटरफॉल दिखा नहीं रास्ते पे। अब जो दूसरा रास्ता है यहाँ पर, ये जाके एक बार देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन से रास्ते पे आपको जाना है फाइनली, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। एक दो लोग हमें दिख रहे हैं तो मे बी यही रास्ता हो, यही है कोई जगह। पहुँच तो गए हम लोग। जहाँ से यहाँ पे बीच पे जाना है, छोटा सा ही वाटरफॉल लग रहा है, इतना कुछ खास है नहीं। जो भी है अब यहाँ तक आया तो देख ही लेते। अब यहाँ पे मैं चलता हुआ यहाँ तक, यहाँ से होते हुए फाइनली यहाँ पर आया। अब आ रहे हो घर या नहीं? हाँ अब घर आ रहे हो? हाथ पकड़, हाँ आऊंगी ना यार, आ जाओ। यहाँ वाटरफॉल पे क्या करूँ जब भी पानी। और सामने की ओर जो आप देख रहे हो वो रिवर है, और उसी रिवर का पानी यहाँ से निकल के यहाँ तक जाता है। विवेक अगर तू ये वीडियो देख रहा है भाई, ड्रोन भेज दे यार, देख इतनी अच्छी ऑसम प्लेस है, मतलब इतना पानी आया नहीं बट यहाँ पे ड्रोन उड़ा देना तो बहुत ही मज़ा आता। तो विवेक अगर तू ये वीडियो देख रहा है, आई एम श्योर तू देख ही रहा होगा, अगर तू देख रहा है तो भाई प्लीज़ ड्रोन भेज दे। सो हमारा जो सेकेंड डेस्टिनेशन था वो भी हमने देख लिया है, यहाँ पे हमने 15-20 मिनट बैठे, फोटो शूट और वो सब कर लिया, रील्स बना लिए। अब चलते हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की, और अभी बज रहे हैं 2, तो शायद लंच के लिए कहीं पर रुकेंगे, देखते हैं। लंच हम साथ में लेके आया तो बस कहीं पे रुकेंगे, थोड़ा सा लंच कर लेंगे, और फिर 3:30-4 बजे के आसपास जाना है कडाना डैम, वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। लेट्स सी वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है या नहीं।
अभी बादर डैम से कुछ 20 किलोमीटर दूर हम लोग, और यहाँ पे रास्ते में रुके तो नाश्ता करने के लिए भूख लगी थी सबको, तो फिर सोचा कि ये अच्छे एरिया है तो यहाँ पे रुक लेते हैं। यहाँ पे एक सामने शॉप मिल दिख रही है तो पूछ लेता हूँ पानी वानी कुछ मिलता है, चाय मिलती है या नहीं। हेड्स अप गाइस, तो ये जो कडाना डैम है वो एक्चुअली में डैम तक हम जा नहीं सकते, वो डैम तक जाने के लिए सिर्फ ऑफिशियल्स अलाउड है। तो हमें एक्चुअली में जाना है एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या था? मंदिर का तो नाम मुझे अभी याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा और जब रिटर्न आएंगे तब। बट वहाँ पे ना बादशाह करके एक छोटा सा ढाबा है और उसका बोर्ड आएगा और बाजू में मंदिर का भी है, नाम भी पता नहीं है, मैं लिख दूंगा नीचे। तो वो वाले से ना एक छोटा सा ब्रिज है, छोटा सा एकदम, वो ब्रिज वाले रास्ते से आपको ऊपर जाना, रास्ता कुछ ऐसा दिखेगा सामने। और जो रास्ता है वो ना एक्चुअली में पहाड़ के एकदम ऊपर चला जाएगा। हाँ। तो आप पहाड़ के बीच में से एकदम सीधा डैम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप जहाँ जाएंगे वहाँ से डैम का और रिवर का पूरा पूरा व्यू आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि इधर से शायद आपको दिखेगा। हम लोग आ गए डैम पे एंड जस्ट लुक एट द व्यू। जो आपको सामने डैम दिख रहा है, यहाँ पे है डैम और ये है बादर रिवर, बादर रिवर के ऊपर है। यहाँ पे सामने जो डैम है वहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट लगेगी, मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आगे से, मुझे नहीं पता, जब हम वहाँ पे एंटर हुए तो बोल रहे थे परमिशन होगी तो ही जाने देंगे। फिर मैंने जो आपको बोला कि राइट साइड एक रास्ता पड़ता है, वो बादशाह जो रेस्टोरेंट है उसके सामने रास्ता पड़ता है, वहाँ से जाके आप पूरा ये जो सामने रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला नीचे से लेके पूरा यहाँ ऊपर चढ़ के यहाँ तक आना है। ये मंदिर है, ये मंदिर के पास पूरी जगह है, यहाँ पे आप कार या बाइक अपनी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी डैम है और रोड के उस तरफ भी डैम है, तो वहाँ पे भी जाके अभी हम देखेंगे, मस्त व्यू है। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है या नहीं, बट अमेजिंग है और कसम से यार मज़ा आ गया। फर्स्ट जो प्लेस थी वो और ये जो लास्ट प्लेस है वो बहुत ही अमेजिंग है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, हम लोग फोटो शूट करेंगे, वीडियोस शूट करेंगे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट जो स्टोरीज है, बिहाइंड द सीन्स है, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, उस पर स्टोरीज, रील्स, फोटोज सब मिलेगी। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत मस्त जगह है, मतलब अगर आप लोग शाम को आएंगे तो यू कैन एंजॉय द सीनरी, एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इवन गर्मी भी कम लग रही है ना करण, अभी तो गर्मी भी कम लग रही है, मतलब है गर्मी बट हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। तो हम थोड़ा देखते कब तक रुक सकते हैं, लुक्स उठाएंगे शाम तक शायद हम इस चीज़ का। और मुझे सुबह से इन लोगों ने ब्लॉगिंग करने नहीं दिया, तो फाइनली मेरे हाथ में कैमरा आया तो मैंने सोचा दो चार वर्ड बोल लेती हूँ अपने तरीके से, व्यू दिखा दे बड़े कैमरे। सो गाइस डू चेक आउट द व्यू, आई एम गोइंग टू शो यू सम एक्साइटेड थिंग। या दूसरी साइड है क्या? अजीब सी चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, ये जो बेंच है इसका डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है, व्यू तो पीछे है। अच्छा मंदिर देखने के लिए क्या? आई डोंट नो, इट्स सपोज टू बी ऑन दैट अदर साइड, इट्स नॉट ऑन दैट साइड। मम्मी ने मुझे लगता है बाटा की चप्पल पहनी इसीलिए बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में है। बाटा की चप्पल मतलब बहुत ही नहीं, पर मुझे लगता है बाटा की चप्पल पहने इसलिए बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई आप में।
चलो नीचे आ जाओ यहाँ पे अब। सो इस तरफ की साइड हम लोग आ गए, वो इतना हैपनिंग नहीं है जितना उस तरफ है, वहाँ पे डैम है और वो सब चीज़ें है, यहाँ पे सिर्फ पानी है इस तरफ एज यू कैन सी, वो भी बहुत दूर दूर है, नज़दीक कुछ दिख नहीं रहा है। और शाम के टाइम पे आना 5:30-6 बजे के आसपास, क्योंकि सनसेट होगा उस तरफ वहाँ पे नीचे, तो आई गेस सनसेट का जो व्यू होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। हम लोग शायद वहाँ अभी तक नहीं रुक रहे हैं, 15-20 मिनट और रुकते हैं फिर निकल जाएंगे, पर अगर आप लोग आ रहे हो तो 5:30-6 बजे के बाद आना जब सनसेट हो रहा है, अमेजिंग व्यू आएगा। क्या बोलना था? बोल गाइस अब हम घर जा रहे हैं, हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं। लाइव शो थोड़ी चल रहे हैं। सो मम्मी ने तो अपने हिसाब से व्लॉग एंड कर दिया, आप पीछे मत जाना उनके। तो हम आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं। अगर ये गाइस आपको व्लॉग पसंद है, अगर आपको प्लेसेस पसंद है तो डेफिनेटली विजिट करिएगा, बहुत ही अच्छी है। थोड़े टाइम बाद करिएगा जब थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए तब, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम के टाइम आइएगा। क्या? शाम के टाइम। और शाम का टाइम आएगा बिकॉज सनसेट यहाँ पे देखने का बहुत मजा आएगा और रोड भी काफ़ी अच्छी है, तो शाम को आएगा डेफिनेटली आप। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग लाए उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड वी विल ट्राई कि एटलीस्ट मंथ में हम 2 या 3 ऐसी ट्रिप हमारे आसपास के गुजरात की, ताकि आपको आइडिया लगे कौन कौन से प्लेसेस है जो आप अभी इस टाइम विजिट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड एनीथिंग। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Ashu, double noodles. Bye bye.